नगर पालिक निगम भिलाई सहित ज्यादातर निकाय चुनावों में कांग्रेस को मिली बड़ी सफलता को देखते हुए प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई जा सके। दुर्ग जिले के 4 निकायों में हुए चुनाव में 3 निकाय में कांग्रेस का कब्जा हो गया, परंतु कुछ वार्डों के पार्षद प्रत्याशी को हार का सामना भी करना पड़ा। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी अपने पार्षदों का हौसला बढ़ाता नजर आ रहा है। उन्हें बतौर छाया पार्षद लगातार अपने वार्ड वासियों के संपर्क में रहने के आदेश दिए गए हैं, और अब जब 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर वार्ड 11 फरीदनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को चार्ज करते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान की जानकारी दी एवं ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाकर कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ ही वार्ड 11 के छाया पार्षद शमशेर सिद्दीकी को जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनकर समस्याओं को दूर करने के निर्देश भी दिए। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने भी अपने हृदय परिवर्तन होने की बात कही और इस वजह से कांग्रेस में पदार्पण किया। देखिए, पार्टी से हालात के हिसाब से ये समय हर 5 साल में इसको सदस्यता अभियान चलाया जाता है, सदस्यता को रिन्यूअल कराया जाता है और नया सदस्यता बनाया जाता है। उसी के तहत जो है हमारे पार्टी के निर्देशानुसार हम लोग कांग्रेस सदस्यता अभियान शुरुआत किए हैं। ये हम लोग जो है प्रत्येक वार्ड में बूथ लेवल पर जाके इसका कर रहे हैं और हमारे बूथ के जो कार्यकर्ता जामबाज सिपाही कांग्रेस के हैं वो जाके घर घर जाके इसका कांग्रेस सदस्यता अभियान बड़ा। चूंकि नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे कांग्रेसी पार्षद प्रत्याशी रहे हैं जिनको हार का मुंह देखना पड़ा है, उनके हौसला अफजाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो संवैधानिक रूप से तो यहाँ से वो जरूर हार चुके हैं, लेकिन हमारे लिए कांग्रेस के लिए आज भी वही पार्षद है और हम लोग उनको पार्षद ही कांग्रेस के तरफ से पार्षद ही मानते हैं। तो किस तरह के दिशा निर्देश हैं उनके लिए कि वो वार्ड में किस तरह से काम करते रहें? वो हर वार्ड में जा रहे हैं, वार्ड के अंदर गली में जा रहे हैं, बूथ में जा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं और यहाँ जो हमारे सीनियर लोग हैं, लोग अध्यक्ष जी हैं, महापौर जी हैं, विधायक जी हैं, उन लोगों के से अपनी समस्याओं को उनके सामने रखें, सारी समस्याओं का निराकरण करें। PCC प्रेसिडेंट के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में और एक कार्यकर्ता सब लोग मिलकर जिला कांग्रेस कमेटी के साथ कांग्रेस सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, जिससे हर वार्ड में हर बूथ में मजबूती मिले, जगह जगह हमको जन समर्थन मिल रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस मजबूती का जो परिणाम है हमको विधानसभा चुनाव में मिलेगा। फिर से हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को नेतृत्व में सरकार भी बनाएंगे और प्रदेश का काफ़ी विकास होगा। जैसा कि अभी जनकारी काम चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा, जनता को उसको लाभ मिलेगा और मैं निरंतर अपने वार्ड में समस्याओं को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और उसके बाद निराकरण करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा और इसका फायदा भी निगम से मुझे मिलेगा और क्षेत्र की जनता ने मुझे जो वोट दिया, वोट के मत के रूप में जो आशीर्वाद दिया, मैं उनका आभारी हूँ। उनके मेरा नाम किशोर वर्मा है। वर्मा जी, पहले आप कौन सी पार्टी में थे, किस पद पर थे? मैं भारतीय जनता पार्टी में था और पिछले में मैं सचिव के पोस्ट में था, युवा मोर्चा मंडल में। क्या ऐसा कारण हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ आपका और आपने कांग्रेस का दामन थामा है? कांग्रेस का जो नीति रीति मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे क्या है, जो छोटे वर्ग के जो कार्यकर्ता हैं उनको बढ़िया बढ़ावा मिल रहा है और क्या है, जैसे कि अभी पार्षद चुनाव में देखने मिला कि जो अपने वार्ड स्तर के जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है उनको सबको क्या है, उनको टिकट भी देकर उनको बढ़िया सम्मान दिया गया। ये सब देखते हुए मैं कांग्रेस में प्रवेश किया हूँ। प्रदेश भर में हाल फिलहाल में हुए दर्जन भर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। अब कांग्रेस की नज़र 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी है और इसमें कोई चूक ना हो इसके मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा यह सदस्यता अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है और निश्चित ही इसका लाभ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिखाई दे सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।